मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने वाले इस अमीर भिखारी के पास है कई करोड़ों की संपत्ति। आपको आज इस भिखारी की लाइफस्टाइल के बारे में भी बताएंगे। भिखारी शब्द जुबान पर आते ही मन में एक ऐसे व्यक्ति का ख्याल आता है जो फटे पुराने कपड़े में होगा, जिसके बाल बिखरे होंगे या फिर कई दिनों से नहाया नहीं होगा, जिसकी वजह से देखने में वह कुरूप होगा। लेकिन भीख मांगने के पैसे ने अब एक नया आयाम ले लिया है। कुछ व्यक्तियों ने इसे एक आकर्षक पैसे में बदल दिया है। जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड लेवल पर सबसे अमीर भिखारी के रूप में पहचाने जाने वाले भरत जैन मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए भले ही देखे जाते हैं, लेकिन उनका परिवार का रहन सहन का स्तर काफी अच्छा है। आर्थिक तंगी के कारण भरत जैन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। इतनी खराब परिस्थितियों के बावजूद भी भरत जैन ने शादी की थी। अब उनका भरा पूरा परिवार है, जिसमें उनकी पत्नी, दो बेटे और उनका भाई और उनके पिता शामिल हैं। साधारण शुरुआत के बावजूद भरत जैन के बच्चों ने सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा पूरी की। मूल रूप से मुंबई के रहने वाले भरत जैन के पास लगभग 7.5 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। भीख मांगने से उनकी हर महीने की कमाई 60,000 से 75,000 रुपए के बीच है। भरत जैन के पास मुंबई में वो 1.2 करोड़ कीमत का 2 बेडरूम का फ्लैट है। भरत जैन के पास थाने में 2 दुकानें हैं, जिसमें 30,000 रुपए हर महीने का किराया आता है। भरत जैन को अक्सर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT या आजाद मैदान जैसे प्रमुख स्थानों पर भीख मांगते देखा जा सकता है। उनकी कहानी उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की भावना और विपरीत परिस्थितियों से उबरने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। इतनी अच्छी खासी संपत्ति के बावजूद भरत जैन मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने का काम करते हैं, जहां कई लोग लंबे समय तक काम करने के बाद भी कुछ 100 रुपए कमाने के लिए संघर्ष करते हैं। वहीं भरत जैन लोगों की उदारता की बदौलत 10 से 12 घंटों के भीतर प्रतिदिन 2000 से 2500 रुपए इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं। बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। मेट्रो सिटी समाचार पर विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8847744777।